जी हाँ, बड़ी अपडेट आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक नए मंत्रालय का गठन भी किया गया है। सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का फैसला किया है। सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ये मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेगी। तो एक नया मंत्रालय जिसका निर्माण किया गया है, जिसके बारे में फैसला लिया गया है, ये मंत्रालय सहकारिता अभियान को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय भी अब मोदी कैबिनेट में देखने को मिलेगा और इसकी जिम्मेदारी भी एक मंत्री को दी जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, उससे ठीक एक दिन पहले चर्चा के बाद एक नए मंत्रालय का गठन कर दिया गया और वो मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। लेकिन सहकारिता मंत्रालय है क्या, आपको वो भी बता देते हैं। सहकारिता मंत्रालय को आप समझ लीजिए, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, सहकार से समृद्धि का एक मंत्र दिया था। सहकारिता मंत्रालय के बारे में ये बहुत जानकारी, जिसका ये आधार बनाती है, आधार क्रिएट करती है। वित्त मंत्री ने अलग सहकारिता मंत्रालय की घोषणा, आपको याद होगा, बजट में भी की थी। जब बजट की पूरी जानकारी दी गई थी, बजट पढ़ा गया था, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन कर दिया गया है, जिससे इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। सहकारी समितियां जिन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचने में मदद कर पाएगा, जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतें क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, उन्हें समझने में सहकारिता मंत्रालय एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वहीं पर समितियों को प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और जो परेशानी है जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर लोगों की, उसको खत्म किया जा सके। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए बिजनेस प्रक्रियाओं को भी आसान करेगा और बिजनेस प्रक्रिया आसान होगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके रास्ते और खुलते हुए नजर आएंगे। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक माना गया है और अगर ये आर्थिक मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो ऐसे में सहकारिता मंत्रालय का बनाए जाना अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस मॉडल में प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना से काम करता है, ये इस मॉडल का ढांचा है और ऐसा करके केंद्र ने कम्युनिटी आधारित विकास में एक प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसमें अपनी रुचि भी लगातार मंत्रालय की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिखाई गई, जिसके बाद यह हुआ कि बजट में इस मंत्रालय का जिक्र किया गया था और आज विस्तार से ठीक पहले इस मंत्रालय का गठन, सहकारिता मंत्रालय का गठन भी कर दिया गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार की 10 बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं, यानी कि जिन नए चेहरों को चुना गया, किस चीज को ध्यान में रखा गया है, किसे साधने की कोशिश की गई है, ये बड़ी बात है। दलित, पिछड़ी जातियों को ज्यादा मौका आज के इस तस्वीर में देखने को मिलेगी, जैसे ही ऐलान होगा कि वो नए चेहरे कौन कौन से होंगे। ये भी मान के चलिए कि जो विशेषज्ञ हैं, हाईली एडुकेटेड चेहरे हैं और युवा हैं, यूथ हैं, उनको प्राथमिकता इस मंत्रिमंडल विस्तार में देने की तैयारी सरकार कर चुकी है। चुनावी राज्य हैं, 5 राज्यों में चुनाव होना है, ऐसे में उन पर खास फोकस है, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा बाकी राज्यों में भी चुनाव है, उसको भी ध्यान में रखा गया। यूपी में जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश आज के इस कैबिनेट विस्तार के साथ की जाएगी। इसके साथ ही बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, इसको भी एक बड़ा हिस्सा कैबिनेट विस्तार में दिया जाएगा, यानी कि इन राज्यों से भी चेहरे शामिल किए जाएंगे। दूसरे दलों से आए चेहरों को इनाम देने की भी तैयारी है और उन्हें भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी आज इस विस्तार में की गई है। जो दूर हो रहे सहयोगी दल हैं, उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने साथ के दलों को साथ के रखा जाए। 3 पूर्व सीएम और 1 पूर्व डेप्यूटी सीएम को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही लद्दाख को हिस्सेदारी देकर संवेदनशील सीमावर्ती राज्य को अहमियत देने की एक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, नए चेहरे को शामिल करके। वहीं सहकारिता मंत्रालय जिसका गठन किया गया है, जाहिर बात है किसानों को मनाने की कोशिश उससे की जाएगी, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके, उनसे बात करके समिति जो गठित की जाएगी उसमें भी सहकारिता मंत्रालय का एक बड़ा रोल हो पाएगा। तो ये आज मोदी 2.0 कैबिनेट विस्तार की एक झलक आपके सामने। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।